अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। अब बेटा देखिए, सीक्वेंस क्या होता है, इससे पहले थोड़ी से हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। देखिए बेटा, जैसे आप ये नंबर लिखते हैं 251, 205, -7, 8, या आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 3, 9, 10 आपने लिख दिया, फिर आपने लिख दिया 502, फिर 315, ये आपने नंबर्स लिख दिए। आप देख रहे हैं कि इन नंबर में कोई तरतीब नहीं है। 2 के बाद 5 आ रहा, 5 के बाद 101 आ रहा, फिर 205 आ रहा, फिर -7 आ रहा, फिर -8 आ रहा। इन नंबर्स में कोई तरतीब या कोई पैटर्न नहीं है। इसके मुकाबले में देखिए, अगर आप ये नंबर लिख दें, फॉर एग्जाम्पल लिख दें आप 2, लिख दें 4, लिख दें 6, 8, 10, 12, सो ऑन, आप देख रहे हैं इनमें दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तरतीब से आ रहे हैं। 2 के 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, फिर 8 है। इसी तरह अगर आप ये लिख दें, देखिए जैसे 5 लिख दें, 10 लिख दें, 15 लिख दें, 20 लिख दें, 25 लिख दें, आप देख रहे हैं इन नंबर्स में भी क्या पैटर्न है, तरतीब है। 5 के बाद 10 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, यानी इनमें पाँच पाँच का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह देखिए, अगर आप ये लिख दें 1, लिख दें 3, 9, 27, ठीक है, फिर 81 लिख दें, फिर 243 लिख दें, आप देख रहे हैं कि इसमें तीन तीन का रेशो आ रहा है, तीन का मल्टीपल आ रहा है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 थीटा 9, 9 थीटा 27, 27 थीटा 81। इसमें भी एक तरतीब और पैटर्न आ रहा है। इसी तरह देखिए, अगर आप ये लिख देते हैं 1, 4, 16, 64, आप देख रहे हैं इसमें भी 4, 4 का रेशियो सेम आ रहा है। तो बेटा सीक्वेंस क्या होती है कि नंबर्स को अगर आप किसी ऑर्डर के तहत लिख दें, ठीक है, तो इसके देखिए तीन चार डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो पहली डेफिनेशन है, देखिए पहली डेफिनेशन ये है कि अ सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इज अ कलेक्शन कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी अगर नंबर्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के तहत ऐड कर दें तो ये आपके पास कहलाता है सीक्वेंस, और ये बेसिकली केपी बोर्ड में है, खैबर पख्तूनख्वा की जो बुक है ना, केपी बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो एक डेफिनेशन तो ये है। सेकंड डेफिनेशन इसकी ये है जो आपके पास कराची बोर्ड में है, ठीक है, और ये भी इन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये आपके पास ये है एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स नंबर्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू अ अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूट इज कॉल्ड सीक्वेंस, और सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन भी कहते हैं, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। ये आपने याद रखने में क्या होता है बच्चों कि नंबर्स को अगर हम किसी ऑर्डर में किसी तरीके से करेंगे, हम लोग किसी रूल के तहत हम फॉर्म करेंगे, डेट इज कॉल्ड सीक्वेंस। और जैसे आपको बताया है कि आप नंबर्स देखिए ये लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, या जैसे 3, 9, 27, 81, 243। अगर आप किसी ऑर्डर के तहत लिखेंगे तो ये आपके पास बेसिकली क्या कहलाते हैं,
सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए, अब दूसरी इसकी डेफिनेशन एक ये है कि जो आपकी बुक में है, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस इज अ फंक्शन इज अ फंक्शन हूज डोमेन हूज डोमेन इज अ सबसेट सेट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये बेटा क्या होती है सीक्वेंस, कि जिसमें क्या हो, सेट आपके पास जो सबसेट है वो बेसिकली क्या हो, उसका जो डोमेन है वो क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसको मैथमेटिकली आप यूं लिखते हैं कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर। जो है सीक्वेंस एक फंक्शन है जो एन से आर है, यानी देखें यानी आपका जो डोमेन है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है। आर और सी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आर रियल नंबर होगा और एन क्या होगा, ये डोमेन हमेशा क्या होगा, डोमेन हमेशा आपके पास क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है। और डोमेन आपको याद है कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए क्या होता है, अब इसमें देखिए कॉमन रिप्रेजेंटेशन देखिए, जैसे आपके पास ये है ना, देखिए जैसे आपके पास A1 A2 A3 और ये AN है, ये कहलाती है आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस। क्या कहता है, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है। ये फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। और इसमें देखिए जो आपके पास इसमें जो टर्म्स हैं वो क्या है, फाइनाइट है। ठीक है। तो ये A1 A2 A3 AN ये फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है। इसमें जो A1 A2 A3 ये आपके पास क्या है, टर्म्स है, ये कहलाती हैं टर्म्स और एलिमेंट्स। तो देखिए जब आपको लास्ट टर्म पता हो तो ये फाइनाइट सीक्वेंस होती है। इसके मुकाबले में देखिए अगर आप ये लिख दें कि A1 A2 A3 और ये सोन चलती जा रही, इसे हम क्या कहते हैं, इनफिनाइट सीक्वेंस। इनफिनाइट सीक्वेंस। ठीक है बेटा। अब देखिए इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो यानी सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंसेस आर जो उसकी जनरल टर्म है, यानी वी विल डिनोट द एनथ टर्म एज सीक्वेंस बाय AN और T, यानी जो हम लोग इसकी जो nth टर्म है, जो आखिरी टर्म है, उसको हम डिनोट करते हैं ज्यादातर AN और TN से। ठीक है। अब बेटा देखिए इसमें जो है ना आपके पास क्या होगा, देखिए आपको ने बताया कि क्या होता है कि ये पैटर्न के तहत हम सीक्वेंस या प्रोजेक्शन को एक हम पैटर्न के तहत लिखते हैं। अब देखिए जैसे आपके पास ये दिया हुआ है 2 4 6 8, आप इसकी जनरल टर्म ये बना सकते हैं कि AN इज इक्वल टू 2N2N। ठीक है। और आपको बताया था कि यहाँ पर जो डोमेन होती है, देखिए जो N यहाँ पर है, एन यहाँ पर हमेशा क्या होता है, 1 2 3 4,
फोर्स जो डोमेन है बेसिकली है, डोमेन है और ये हमेशा नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए जी आपके पास देखिए इसकी जनरल टर्म ये बनेगी 2, 4, 6, 8 की, देखना अगर आप एन पुट कर देते हैं 1, अगर एन 1 पुट कर देते हैं ए 1, देखिए आपके पास 2 × 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 2, अगर आप एन पुट कर देते हैं देखिए 2, ये 2 × 2, 2 to the 4, अगर आप एन पुट कर देते हैं 3 तो 2 × 3 ये आपके पास आ जाएगी 6, तो ये सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी आ जाएगी जनरल टर्म। इसी तरह देखिए जैसे आपके पास एक सीक्वेंस आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ये है एक, आपके ये जनरल टर्म देखिए आपके पास ये नंबर्स ये दे दिए आपको 1 × 2, फिर 1 × 2, तो देखिए इसका पैटर्न ये बनेगा कॉमा, 2 × 3, फिर कॉमा, 3 × 4 और ये सो ऑन। बट देखिए इसकी जो जनरल टर्म बनेगी ये आपके जो पैटर्न बन जाएगा ये आपके पास बन जाएगा देखें n × n+1 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें n की जगह पुट करेंगे 1 तो 1 × 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 × 3 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 × 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपने याद रखना है। इसी तरह देखिए जैसे आपके पास एक और ये दिया हुआ आपको पैटर्न दिया हुआ है कि 3, 6, 9, 27 सो, तो कि इसकी जनरल टर्म ए एन बनेगी आपके पास 3n, 3n, अब एन की जगह 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, एन की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये फार्मूले अगर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में ट्राई करना सीखेंगे तो यहाँ बेसिकली आपने याद रखना है कि सीक्वेंस क्या होती है, कि सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या होती है, अगर आप नंबर्स को किसी ऑर्डर के तहत की तरतीब के तहत लिख दें तो ये कहलाता है बेसिकली सीक्वेंस। ठीक है, और सीक्वेंस में दो टाइप होती है, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होती हैं, और एक होती है इनफिनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अननोन होती हैं। ठीक है, और उसमें जो इंडिविजुअल जो नंबर्स हैं वो टर्म्स कहलाती हैं, या ठीक है टर्म्स कहलाती हैं या उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात कि इसकी जो आपके पास जो nth टर्म को हम an से शो करते हैं या tn से शो करते हैं। अब बेटा देखिए इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो आसान सी है। ठीक है, उसमें इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, आपको इन्होंने एक पैटर्न दे दिया है और आपको जनरल टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.1, बट अगर 6.1 में ये दिया हुआ है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इफ हमें जनरल टर्म बना के दे दी है और फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन में वन के एक दो पार्ट आपको समझाते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में आ जाता है, लिखा राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक अब बेटा कि फर्स्ट में आपके पास जनरल टर्म आपको ये दे दी है कि a n = 2n-3, बट आपने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने, तो आपने सिंपल क्या कर देना है कि पुट n = 1, 2, 3 और 4। ठीक है,
अब देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पुट करेंगे एन की जगह पर 1, तो ये देखिए आपको बता दीजिए कि फर्स्ट टर्म a1 और 2 × 1 − 3। अब ये 2 × 1 = 2 − 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई है 1। ठीक है, अब आप पुट कर देंगे एन की जगह पर 2, तो ये सेकेंड टर्म a2 देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 × 2 और ये −3। अब ये 2 to the 4 − 3 और 4 − 3 आपके पास क्या आ गया 1। तो ये आपको बता गया सेकेंड टर्म। उसके बाद आपने क्या पुट कर देना है, पुट एन इज इक्वल टू 3, 1 में पुट एन इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे आप एन की जगह 3 पुट कर देंगे, ठीक है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2 × 3 और ये −3। अब 2 × 3 = 6, 6 − 3, 2 × 3 = 6, 6 − 3 आपके पास आ जाएगा 3, और यहाँ आपके पास क्या ये −1 है। ठीक है, 2 − 3 − 1। अच्छा फिर आप पुट कर देंगे एन इज इक्वल टू 4 1 में, तो देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पे एन की जगह आ जाएगा 4, ये सबस्क्रिप्ट में ना 4 लिख देंगे आप। और फिर देखिए ये 2 × 4 और ये −3, फिर 2 × 4 = 8 और ये −3। ठीक है, 2 × 4 = 8 और ये −3 आपके पास देखिए आ जाएगा 5। बेटा ये आपके पास आ जाएगी देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ही आ जाएंगी, फर्स्ट 4 टर्म्स और बेटा देखिए आपको बता कि −1 1 और 5, तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए। ठीक है, तो आप इसी तरह कर लीजिएगा। अब आपको मैं ना यानी आपने एन की जगह पहले 1 पुट कर देना है, फिर 2 पुट कर देना है, फिर 3 और फिर 4। तो अब आपको मैं करा रहा हूँ पार्ट नंबर इसका 7 करवा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 7, ये पार्ट 7 आपके पास ये है कि a n − 1 इज इक्वल टू n + 2 और a1 आपके पास क्या है 2 है। बेटा अब आपको ये फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन आपके पास ये दिया हुआ है, गिवन दैट a n − 1 इज इक्वल टू n + 2 और a1 आपके पास 2 है। बेटा देखिए a1 तो आपके पास 2 है, तो पहले आप n की जगह पुट करेंगे 2, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपके पास a1 तो गिवन है, तो 2 में से 1 गया तो ये 1 आ जाएगा। पहले हम यहाँ लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 2, क्योंकि ऑलरेडी a1 गिवन है। अब देखिए बेटा जब हम एन की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा a2 ये −a, ये 2 − 1 और ये 2 + 2। अब देखिए बच्चों ये आपको आ जाएगा a2 और ये −a, ये 2 में से 1 गया तो आ जाएगा 1, 2 + 2 = 4। अब देखिए a2, अब a1 गिवन आपके पास कितना है 2 = 4 और यहाँ से देखिए a2 आपके पास आ जाएगा 4 + 2 और यहाँ से a2 = आपके पास 6 आ जाएगा। a1 तो ये गिवन था, ये रहा a2 आपके पास ये आ गया 6। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, पुट n = 3, पुट n = 3। ठीक है, अब जब आप 3 पुट करेंगे, देखें देयर फोर ये आपके पास आ जाएगा a3 − a3 − 1 और एन की जगह आ जाएगा 3 + 2। अब बच्चों देखिए आपके पास ये आ जाएगा a3 और ये −a3 − 1 a2 = 3 + 2 = 5। अब देखें a3 तो आपको फाइंड करना, a2 की वैल्यू आपके पास 6 है, यानी 6 = 5 और यहाँ से a3 देखिए आपके पास आ जाएगा 5 + 6, a3 आपके पास आ जाएगा 11।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया, एट ही आपके पास आ गया, 11। अब आप कर देंगे पुट एन इज इक्वल टू 4। जब आप 4 पुट करेंगे, देखें देयर फोर ए 4 और ये माइनस ए 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4 प्लस 8। अभी आपके पास आ गया ए 4 माइनस ए 4 माइनस 1 3 और 4 प्लस 2 6। अब बच्चों ये ए 4 आ गया माइनस ए 3 आपके पास है 11 इक्वल टू 6। अब ये ए 4 यहीं रहेगा, 11 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, देगा पॉजिटिव ए प्लस 6, ए 4 11 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 15। बेटा ये आपके पास फर्स्ट 4 टर्म आ गई, ठीक है ए 1 2 है तो आप क्या लिख लेंगे, हेंस ए 4 फर्स्ट 4 टर्म्स आर, ये आपके पास देखिए पहली आ गई आपके पास 2 थी, दूसरी आपने निकाल लिए 6, फिर आपके पास देखिए आ गई 11, ठीक है ये आपके पास आ गई 11, फिर आपके पास आ गई 15, ये 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए, ठीक है। अब ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास ये टर्म्स आ गए आपके पास के फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए 2 6 11 और 17, इसको आप इससे करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी का एक और क्वेश्चन आपके पास ये है, पार्ट इसका देखिए 8 आपके पास ये है, पार्ट 8। आपके पास an इज इक्वल टू n और a की पावर n an-1 और आपके पास a1 आपके पास क्या है, 1 है। बेटा ये आपके पास गिवन है an, अब आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। ये an इज इक्वल टू n और an-1 और यहाँ आपके पास देखिए a1 आपके पास क्या है, 1 है, ये इक्वेशन 1 है। तो बेटा देखिए a1 तो ऑलरेडी गिवन है, तो पहले हम क्या कर देंगे पुट n इज इक्वल टू 2 करेंगे, पहले हम करेंगे पुट इज इक्वल टू 2। तो देखिए जब आप 2 पुट करेंगे, देखिए देयरफॉर a2 आपके पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और a और 2-1। अब देखिए ये a2 आ जाएगा, देखिए 2 और a2-1 आपके पास आ जाएगा 1 और यहाँ से आपके पास a2 आ जाएगा, देखिए 2 और a1 आपके पास क्या है, 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये सेकेंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, तो सेकेंड टर्म आपके पास आ गई 2। फिर आप कर देंगे पुट एन इज इक्वल टू 3, देखिए देयर फोर जब आप 3 पुट करेंगे तो a3 आ जाएगा आपके पास और यहाँ आ जाएगा 3 और a3-1। अब ये आपके पास a3 आ गया तो ये 3 a3-1 आ जाएगा 2। अब ये आपके पास आ जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 और a2 आपके पास क्या है, 2, तो ये आपके a3 आ जाएगा 2 3 6।
है, और फिर आप करेंगे पुट टेन इज इक्वल टू फोर, टेन इज इक्वल टू फोर, फिर जब आप फोर पुट कर देंगे देयर फोर वन में ए फोर, और देखिए 2a4 - 1 ये सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा a4 इज इक्वल टू 2 और a3। अब आपके पास आ जाएगा a4 इज इक्वल टू 2 और a3 आपके पास 6 है, a4 आ जाएगा 2 6 12। अब हम निकलेंगे देयर फोर फर्स्ट फोर टर्न, ये आपके पास आ जाएंगे कौन कौन से, a1 तो आपके पास इन्होंने दिया हुआ है 1, a2 आपने 2 निकाल दिया, ठीक है, फिर आपके पास 6 आ गया, फिर आपके पास 12 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास ठीक है, शुरू की 4 टर्म्स आ गई, 1 2 6, ठीक है बच्चों। तो a1 जब आपने पुट किया देखे, ठीक है, तो यहाँ पर सारे 2 अंदर 2, ये पुट किया, अरे बेटा यहाँ थोड़ी गलती हुई, यहाँ पे एन की जगह पे, यहाँ एन की जगह पर 4 फुट करना था, जगह पर 4, एन की जगह जब 4 फुट करेंगे देखिए, ये एन की जगह, यहाँ पे भी एन की जगह पर 4 फुट करना था, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 4 6 20 4। और ये 24 आ जाएगा, ठीक है, ए थी आपके पास 6 4 6 20 4, और ये टर्म 1 2 6 और ये 24 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह आपने शुरू की 4 टर्म्स फाइंड कर लेने, ठीक है, यानी एन की जगह पहले आपने 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, अब बेटा की क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें मैं जो सीक्वेंस दी हुई आगे, आपको कुछ टर्म्स फाइंड करनी है और मैं ये बताना है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन इंडिकेटेड टर्म, टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, अब बेटा देखिए फर्स्ट आपके पास ये है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि टू 6 11 17, तो आपको a7 फाइंड करना है, यानी सातवीं टर्म इसमें क्या होगी, हमें बेसिकली ये फाइंड करना है, ठीक है, a7।
बट आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, देखें कि इस सीक्वेंस में देखें, जब आपके पास ये गिवन है 2, 6, 11, 17 और ये 7 फाइंड करना है। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले में देखें 2 में क्या ऐड हो रहा है, 2 में प्लस 4 ऐड हो रहा है, 2 प्लस 4 तो रिजल्ट अब देखिए आपके पास आ गया 6। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट में 6 में ऐड हो रहा है आपके पास 5, यानी 4, 5, 6 इसे ऐड हो रहे हैं, 6 में 5 होगा तो ये आपके पास आ गया 11। ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है। फिर देखें 11 में आपके पास क्या ऐड हो रहा है, 11 में आपके पास ऐड हो रहा है कितना 6। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 17। फिर देखिए 17, देखें ये आपके पास देखिए 1, 2, 3, 4 ये थर्ड टर्म है। अब देखिए 17 में आपके पास ऐड होगा 7, 17 में आपके पास ऐड क्या होगा 7। ठीक है, तो ये बेसिकली देखिए आप चाहे तो लिख सकते हैं ये आपके पास क्या है, A1 तो आपके पास क्या थी, फर्स्ट टर्म थी। ठीक है, ये आपके पास A1 था, ये A1 है। ठीक है, ये आपके पास आ गया A1, A2, A3, A4। ठीक है, A5 में आपके पास 17 में 7 ऐड हुआ तो ये आपके पास कितना आ गया है 26, अपना 24। ठीक है, ये हो गया 24, इसमें हमने ऐड किया कितना 7। ये देखिए नेक्स्ट में आपने 24 में ऐड करना है कितना 8, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 24 में 8 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32। ये आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 और फिर देखिए आप 32 में ऐड करेंगे, थर्टी टू में हम ऐड कर देंगे +9, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 41। अब बेसिकली देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास A2 थी, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6 और ये A7, तो ये 7 टर्म आपके पास ये आ गया 41। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पैटर्न में देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐड हो रहा है, ठीक है, तरतीब से, तो ये इसमें आपने याद रखना है। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट है 1, 3, 12, 60 और इसमें आपने A6 फाइंड करना है। ठीक है, बट देखिए जब हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, देखिए A1 तो आपके पास कितना है, A1 आपके पास 1। ठीक है, फिर देखिए जो A2 है, A2 देखिए हमने क्या किया है, देखिए A2 जो है आपने देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आपके पास आ गया 3। फिर देखिए A3 में हमने क्या किया है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4 से, तो ये आपके पास आ गया 3, 4 था 12। ठीक है, फिर A4 देखें हमने, अब आप 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, नहीं पैटर्न ये चल रहा है 3, 4, 5, 12, 5 था कितना आपके पास आ गया 16। ठीक है, ये आपके पास आ गया 16। फिर आपने क्या करना है कि A5 60 को मल्टीप्लाई करना आपने किससे, 6 से, और 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा 360, 360। और फिर A6 जो आपके पास है, 6 टर्म फाइंड करने, आप देखिए 360 को मल्टीप्लाई बाय 7, जब मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2520। तो बेटा ये पैटर्न चला ही नहीं, आप मल्टीप्लाई किसे कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6 से इससे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा
सिक्स टर्म आपके पास ये आ जाएगी, पैटर्न ये चल रहा है, यानी आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 3, देखिए पार्ट 3 आपके पास है, 1, फिर ये 3/2, फिर ये 5/4, और फिर ये 7/8, और ये 8/7। बेटा देखिए इसमें भी आप देख रहे हैं कि ऊपर देखिए, पहले हम इसको ना यूँ लिख सकते हैं, देखिए ना अभी देखिए 1, ये 3/2 है, 5/4, 7/8, ये आपको 8/7 चाहिए, ठीक है। अब बेटा देखिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं, देखिए 1/1 ना, और ये 3/2, 5/4, ये 7/8, आपको 8/7 चाहिए। बेटा देखिए आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर जो ना 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, देखिए ऊपर जो आपके पास, देखिए ऊपर जो सीरीज बन रही है ना, देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास A1 है, ये A2, A3, A4, ठीक है। अब A5 देखिए क्या होगा आपके पास, देखिए जो पैटर्न चल रहा है, देखिए आपके पास जो A5 है ऊपर जो है, ऊपर देखिए 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 7 के बाद आपके पास आ जाएगा 9, 7 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आपसे यूँ लिख सकते हैं, देखते हैं ऊपर जो आपके पास सीरीज चल रही है वो आपके पास ये है, 1, 3, 5, 7। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगी नेक्स्ट, आपके पास आ जाएगी देखिए 9, फिर आपके पास आ जाएगा 11, और फिर आपके पास आ जाएगी 13, ये 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। और नीचे देखिए जो आपके पास चल रही है वो 2 का टेबल चल रहा है, 1, 2, 4, 8, 8 के बाद आपके पास आ जाएगा 16, 16 के बाद 32, और फिर 64। इसका मतलब देखिए ये है कि आपके पास जो 7 टर्म आ जाएगी, देयर फोर देखिए 1, 3/2, 5/4, ये 7/8, इसके बाद देखिए आपके पास आ जाएगा 9/, ये आपके पास आ जाएगा 9/16, फिर 11/32, फिर 13/64, A7 आपके पास ये आ जाएगा, देखिए देयर फोर A7 आ जाएगा 13/64, ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 4, देखिए पार्ट 4 में आपके पास क्या है, 1, फिर 1 है, फिर -3, फिर 5, -7 और 9। इसमें भी आपको कह रहे हैं कि 8 टर्म यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। आप देखिए जैसे आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 7 और 8। अब बेटा देखिए यहाँ पर भी ना 2 सीक्वेंस चल रही हैं, ठीक है, 2 सीक्वेंस चल रही हैं। एक सीक्वेंस आपके पास ये है, 2 सीक्वेंसेस, देखिए जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो ये है आपके पास, आपके पास है 1, -3, ठीक है, -7, सो जो सेकंड सीक्वेंस है आपके पास है 1, 5, 9, ठीक है। बट देखिए उसमें भी आपके पास डिफरेंस कितने का चल रहा है, -4 का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको याद है इसमें देखिए डिफरेंस जो है ना वो निकालते हैं सेकेंड टर्म -1 टर्म, तो -3, -1, ये आ जाएगा -4, ठीक है। इसमें भी देखिए डिफरेंस चल रहा है आपके पास -4 का, देखिए -4 के बाद आपके पास ये आ जाएगा -1, -3, -7, तो माइनस आपके पास आ जाएगा 11, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा -11 के बाद आ जाएगा -15,
और यहाँ पर देखिए 4-4 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये आपके पास देखिए 159 है, तो यार 9 के बाद आपके पास आ जाएगा 13, और फिर आपके पास आ जाएगा 17। तो देखिए जब आप इसे लिखेंगे, देयरफॉर देखिए 1 1 1 -3 5 -7 9। बेटा देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास A1 है, ये A2 A3 A4 A5 A6। अब 9 के बाद बेटा आपके पास आ जाएगा, देखिए 9 के बाद आपके पास आ जाएगा -7, तो -11 ठीक है, ये आपके पास आ गई A7। हमें यहाँ पर A8 चाहिए थी, हमें यहाँ पर A8वीं टर्म चाहिए थी। और फिर देखिए आपके पास -11 के बाद यहाँ पर आपके पास देखिए ये आ जाएगा, -11 के बाद देखिए यहाँ 9 है, तो यहाँ आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13 ठीक है। और 13 के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं -15, तो ये आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका A8 ही आ जाएगा, तो A8 आपके पास आ जाएगी। A8 आपके पास आ जाएगी 13, ये आपका आंसर, इसकी जरूरत नहीं है 15 में ठीक है, तो ये आपको 8वीं टर्म ही आ जाएगी। अब बेटा देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5 भी देखिए 1 -3 5 -7 9 -11, और आपको A8 फाइंड करना है ठीक है। बेटा देखिए इसमें भी आपके पास दो सीक्वेंस चल रही है ठीक है। अब देखो तो बेटा इसमें भी आपके पास ये बेसिकली देखिए क्या है, देखिए ये आपके पास A1 है, ये A1, ये A2, ये A3, A4, ये 5, A6, और आगे आपको A7 और A8 चाहिए, A7 चाहिए और A8 चाहिए। अब बेटा देखिए यहाँ पे भी आपका दो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस आपके पास ये है, फर्स्ट सीक्वेंस है 1 5 9 ठीक है, 1 5 9 देखिए यहाँ पे आपका जो डिफरेंस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 4-4 का, तो 1 5 9 फिर आपको बता देगा 13, फिर क्या आ जाएगा 13 ठीक है, और फिर आ जाएगा देखिए 13 के बाद 17 आ जाएगा, जो 16 चलता जाएगा। और सेकंड सीक्वेंस देखिए आपके पास ये है, जो सेकंड सीक्वेंस है वो आपके पास देखिए क्या है, -3 -7 -11, देखिए यहाँ -4 का डिफरेंस चल रहा है, तो -11 के बाद आपके पास आ जाएगा -13 ठीक है, 11 और 4, -11 के बाद आपके पास देखिए कितना आ जाएगा -15 ठीक है, -3 -7 -11 -15 आपके पास आ जाए, तो यहाँ पर -4 का डिफरेंस चल रहा है और यहाँ पर +4 का चल रहा है ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसे लिखेंगे देयरफॉर, तो आपको जो सीक्वेंस आ जाएगी देखें, 1 -3 5 -7 9 -11, तो -11 के बाद आपके पास 9 के बाद आ जाएगा आपके पास 13, 13 -11 के बाद आ जाएगा -15,
बेटा ए एट आपके पास आ जाएगी, आपको ये जो ए एट है -15, ठीक है, ये आपके पास आ गई A7, ये आपके पास आ गया A7, और ये आपको A8, तो ये ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेसिकली पैटर्न ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। इसमें भी आपने जो ना वो पैटर्न के तहत ही उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बेटा देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है -7, 9, 12, 16 और सो बेटा देख रहे हैं इसमें जो क्या हो रहा है कि इसमें देखिए जो पैटर्न चल रहा है, आपने फर्स्ट टू टर्म फाइंड करने हैं। अब बेटा देखिए जो आप हम करेंगे 7 + 2 9 आ रहे हैं, 2 आ रहा है, फिर 9 + 3 ये आपके पास आ जाएगा 12, फिर 12 + 4 ये आपके पास आ जाएगा 16, फिर देखिए 16 और +5 कर देंगे 21, और फिर 21 + 6 ये आ जाएगा 27, ठीक है। तो नेक्स्ट टू टर्म्स ही आ जाएंगे आपके पास, देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स ही आ जाएंगे 21 और 27। नेक्स्ट टू टर्म्स 21 और 27, यानी देखें इसमें देखें पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5, फिर 6, तो ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है 1, 3, 7, 15 और फिर 31, ये भी आपने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। अब बेटा देखिए यहाँ पे A1 तो आपके पास है 1, ठीक है, तो जब आप A2 करेंगे तो A2 में देखिए क्या हो रहा है, 1 + 2 ऐड हो रहा है, 1 + 2, तो 1 + 2 जब ऐड हुआ तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा कितना 3। फिर देखिए A3 जो है ये 3, और इसमें ऐड हो रहा है +4 + 4, ये आपके पास कितना आ जाएगा 7, ठीक है। फिर देखिए आपके पास A जो आपके पास है A4 इज 7 + 8 ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपके पास कितना 15। फिर देखिए A5 15 और +16 ऐड हो रहा है, ठीक है, इन्हें 2 का टेबल चल रहा है, ठीक है, 2 का मल्टीपल चल रहा है, इन्हें 2 4 8 6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आप जो A6 है नेक्स्ट टर्म 31 और +32 हो जाएगा, क्योंकि 32 32 जब ऐड होगा तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे, 32। और फिर देखिए जो A6 7 है ये आपका 63 और +64 ऐड हो जाएगा, यानी
का मल्टीपल ऐड हो रहा है, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा कितना, 61, 27। तो नेक्स्ट टू टर्म्स हुए आ जाएंगे 63 और 127। बेटा देखिए इसमें जो है ना आपके पास देखिए 2 का मल्टीपल 2, 4, 8, 16, 32, 60, वो इस पैटर्न से हो रहा है। अब आप लिख लेंगे देयर फोर X2 टर्म्स आर 63 एंड 27, तो ये पैटर्न है। ठीक है, अब आइए पार्ट थ्री के ऊपर। पार्ट थ्री आपके पास है -1, 2, 12 और 40। इसमें भी आपने नेक्स्ट टू टर्म पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, देखें इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। देखें ये जो A1 है इसको लिख रहा हूँ मैं -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। आपको याद है ये -1 ही आएगा। देखो जो सेकेंड टर्म है इसे मैं लिख रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, ये 2 आ जाएगा। फिर देखिए A3 जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे और नंबर करेंगे। ठीक है, ये आपको हम 3 करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, ये 2 और 2 4, 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए A4 से लिखेंगे हम लोग 5 और 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 8 होता है, 8 5 10 40, तो मतलब ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये पैटर्न चल रहा है। फिर देखिए A जो 5 है इसे हम करेंगे 7 और 2 की पावर 4। ठीक है, 7 और 2 की पावर 4, तो ये आपके पास देखा जाएगा कितना है, 7 और मल्टीप्लाई बाय 16, 17 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका 112 आ जाएगा। और फिर देखिए जो A6 है ये 9 और 2 की पावर 5, 9 2 की पावर 5 32 है, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 288। बेटा इसमें देखिए ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, -1 यानी ऑड नंबर चल रहे हैं, यहाँ पे पहले एक ऑड चल रही है, दूसरी है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो नेक्स्ट टू टर्म्स ये आ जाएंगे। टू 112 एंड 288, तो ये है। अब आ जाए इसका पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 इसका आसान सा ही है, 1 -3 5 -7 9 और -11। ठीक, 1 -3 5 -7, तो बेटा देखिए यहाँ पर ना दो सीक्वेंस चल रही है, एक चल रही है 1 5 9, इसमें 4 4 का डिफरेंस चल रहा है। अब देखिए इसका मतलब ये हो जाएगा, देखें 1 5 9 आगे आपको कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ जाएगा 13, ये फर्स्ट सीक्वेंस जो है, ये फर्स्ट सीक्वेंस। और देखिए जो सेकंड सीक्वेंस है वो ये आ जाएगी,
वो आपके पास आ रहा है -3 -7 -11, तो यार अब -4 था, तो -4 के बाद आ जाएगा -15, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 टाइम्स ये आ जाए, नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 13 एंड माइनस, वो जो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज बस ओके स्टूडेंट्स।